हाय गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह किसी भी फोटो का बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हैं, वो भी कुछ सेकेंडे में। अगर ऐसे भी आप भी किसी फोटो का बैकग्राउंड ब्लर करना चाहते हैं तो देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक। तो इसके लिए गाइस हमें चाहिए एक पिक्सार्ट ऐप, जो कि हमें प्ले स्टोर से मिल जाती है। और आपको पिक्सार्ट ऐप को ओपन करना है, और ओपन करने के बाद भी आपको सबसे पहले उस फोटो को सेलेक्ट करना है जिस फोटो का आप बैकग्राउंड ब्लर करना चाहते हैं। तो आप यहां से आप अपनी गैलरी ओपन कीजिएगा और आप उस फोटो को सेलेक्ट कीजिएगा जिसका कि आप बैकग्राउंड ब्लर करना चाहते हैं। और फोटो सेलेक्ट करने के बाद भी यहां पे नीचे हमें एक ऑप्शन मिलेगा इफेक्ट्स का, इसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस ओपन होगा। और नीचे से भी हमें चौथे नंबर पर एक ऑप्शन मिल रहा है ब्लर का, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है और इसको बुलर के ऊपर क्लिक कर देना है। और इसके ऊपर भी यार डबल टैप करेंगे तो यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए हमें ऑप्शन मिल जाएगा। और आप इसको जितना बुलर करना चाहते हैं आप अपने हिसाब से इसको सेलेक्ट कीजिएगा। और इतना करने के बाद भी यह सही वाला आइकन के ऊपर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद भी यहाँ पे स्लाइड करना है, और यहाँ एक ऑप्शन मिल जाएगा हमें ऐड फोटो का, तो हमें ऐड फोटो वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद भी यह फिर से हमें उसी फोटो को लेना है जिसका कि हमने ब्लर किया था अभी। और उस फोटो को लेने के बाद भी ऐड के ऊपर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद भी यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिल जाएगा कट आउट का, इसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद भी यहाँ से आपको मतलब कि आपका जो फेस है इतना को ऐसे कुछ ब्लैक रंग से पेंट कर लेना है, मतलब कि आपका जो बैकग्राउंड है वो यहाँ से कट आउट हो जाएगा और आपकी जो फोटो है वो एक स्टिकर क्रिएट हो जाएगी। तो आप थोड़ा सावधानी से कीजिएगा, मैं फिलहाल यहाँ पे जल्दीबाजी करने वाला हूँ। और यहाँ पे भी एक हमें ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि ये नीचे देखेंगे तो एक पीक का जो हमें आइकन मिल रहा है, अगर इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ही ये सेलेक्ट कर लेगा कि कितना बैकग्राउंड हाइड करना है। और इतना करने के बाद भी ये तीर वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी हमें 2-4 सेकेंड वेट करना होगा, और आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह ये हाइड करने वाला है। तो यहाँ पे भी इसको हमें थोड़ा सेटिंग करना होगा बूट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके, और हमारे फेस के ऊपर जो भी ये काला काला है इसको हम यहाँ से साफ कर लेंगे। और इतना करने के बाद भी यहाँ बूट्स के साथ जो हमें एक और ऑप्शन मिले ऊपर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद हम अपनी फोटो को करेंगे जूम, और जूम करने के बाद इसके ऊपर डबल टैप करेंगे तो बूट्स का साइज छोटा बड़ा करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। और हमें यहाँ से भी मतलब कि थोड़ा सावधानी से धीरे धीरे जितना भी हमारे फेस के साथ साथ ही जो भी हमारे बैकग्राउंड में है उसको यहाँ से क्लीन कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ से थोड़ी वीडियो को जो है फास्ट कर लेता हूँ, नहीं तो यहाँ से वीडियो काफी लंबी बन जाएगी। सोनी हो गई जवान पर जे भी 16 साल दी लगे ना दा नो अनजान शहर छ फिर जे वे शहर छ उदी सारिया दे ना जान पहचान मापिया नु लेके दवे गिफ्ट सहेलिया नु लेके जाए बार सोनी टिके नगर वे रोल होवे तैयार वे जदो दी उने खरीद। और इतना करने के बाद गाइस आपको अपनी फोटो का साइज थोड़ा छोटा करना है, और आपको इस बात के ऊपर ध्यान देना है कि आपके फेस के ऊपर एक काले रंग का पेंट तो नहीं लगा है कहीं पे। अगर लगा है तो बूट्स के ऊपर क्लिक करके और आपको उसको जैसे कि कुछ इस तरह और इसको सफाई कर लेंगे बिल्कुल क्लीन। आपके फेस के ऊपर कहीं पर भी ये जो ब्लैक रंग का पेंट है वो नहीं होना चाहिए। बाकी आपका जो भी बैकग्राउंड है उसके ऊपर ब्लैक पेंट लगा देना है, जैसे कि कुछ इस तरह, जैसे कि मैंने अभी बिल्कुल कर लिया है। ओके, और मैं यहाँ पे यार थोड़ा जल्दीबाजी किया हूँ, अगर आप इसको थोड़ा स्लो करेंगे तो आप एक बहुत ही मतलब कि बढ़िया तरीके से बैकग्राउंड को हाइड कर पाएंगे। और यहाँ पे भी ये सेव के ऊपर क्लिक कर देना है, और जैसे ही आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस ओपन होगा। और यहाँ से हमें इसका साइज बड़ा करके और हमारी फ़ोटो जहाँ पर है इसको यहाँ पे ले आकर और हमें कर देना है सही वाले टिक के ऊपर क्लिक। और आप देखेंगे तो आपका जो बैकग्राउंड है बिल्कुल ब्लर हो चुका है। तो वैसे में भैया अगर आप भी किसी इमेज का बैकग्राउंड ब्लर करना चाहते हैं तो इस स्टेप को फॉलो करके बहुत ही मतलब कि कम टाइम में किसी भी फोटो का बैकग्राउंड ब्लर कर पाएंगे।